दूसरे मरहले में आज रियासत के 9 जिलों की 8 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, मथुरा और आगरा लोकसभा सीटों पर 58.61% से ज्यादा हुई वोटिंग। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोकसभा इंतखाबात के बाकी मरहलों के लिए इंतखाबी तशहीर में आई तेजी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सदर राहुल गांधी जगह जगह अवामी जलसे और रैलियां करके अपने हक में मांग रहे हैं वोट। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से, मेनका गांधी ने सुल्तानपुर से आज अपने कागजात नामजदगी किए दाखिल। इस मौके पर अखिलेश यादव ने अवामी जलसे को किया खिताब। और समाजवादी पार्टी में हाल ही में शामिल हुई शत्रुघ्न सिन्हा की अहलिया पूनम सिन्हा ने आज लखनऊ लोकसभा सीट से इत्तेहाद उम्मीदवार के तौर पर किया नामजदगी का पर्चा दाखिल। वहीं कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी भरा पर्चा। आदाब, मैं हूं शाइस्ता बानो, खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले में आज 9 जिलों की जिन 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी और आगरा लोकसभा सीटें शामिल हैं। दूसरे मरहले में कुल वोटर्स की तादाद 1,41,94,132 थी, जिसके लिए 8,751 पोलिंग मराकज बनाए गए थे। रियासत में 62.3% राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। कई पोलिंग मराकज पर वोटिंग खत्म होने के बाद भी बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी गईं। इसलिए इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आखिरी आदाद शुमार देर शाम तक हासिल होंगे। दूसरे मरहले में 85 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 10 खवातीन उम्मीदवार हैं। सभी पोलिंग मरकजों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पोलिंग सेंटरों की निगरानी का इंतजाम किया गया था। आजादाना, गैर जानबदाराना और पुरअमन इंतखाबात के लिए काफी तादाद में नीम फौजी दस्ते और पीएसी को तैनात किया गया था। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में रियासत की 8 पार्लिमानी सीटों में सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान शाम 6 बजे तक तकरीबन 62.3% लोगों ने अपने हक रायदेही का इस्तेमाल किया। चीफ इलेक्शन अफसर वेंकटेश्वर लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमरोहा में से ज्यादा 68.77% वोट पड़े, जबकि आगरा महफूज में सबसे कम 59.6% पोलिंग हुई। इसके अलावा नगीना में 62.10, बुलंदशहर में 62.14, अलीगढ़ में 62.80 पोलिंग हुई। अब 62.10 है अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। अमरोहा में पिछले बार 71% था, अब 68.77 है, 77। ये दोनों जगह पे पिछले की तुलना में, 2014 के तुलना में नगीना और अमरोहा में थोड़ा कम ही मतदान हुआ है। बुलंदशहर में पिछले बार 58.33 था, इस बार 62.14। इसमें काफी बुलंदशहर में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। पिछले बार 2014 में 58.33 था, इस बार इसको बढ़कर 62.14 हुआ है। अलीगढ़ में पिछले बार 59.48 था, इस बार 62.8 हुआ है। यहां पर भी अलीगढ़ में भी मत 59.48, इस बार 62.8 हुआ है। हाथरस में पिछले बार 59.78 था, अब ये भी बढ़कर 61.25% हुआ है। अलीगढ़ और हाथरस ये दोनों जगह पे 61.25 अच्छे बजे तक का है, इसमें और बढ़ भी सकता है। मथुरा में पिछले बार 64.33 था, मथुरा में 64.33, इस बार ये कम हुआ है, 60.56 हुआ है। आगरा में पिछले बार 59.05 था, अब ये बढ़कर 59.6 हुआ है। फतेहपुर सिकरी में पिछले बार 61.29 था, इस बार 61.16 हुआ है।
इसका मतलब है कि आगरा में कोई आगरा जिले में देखा जाए तो आगरा में फतेहपुर सीकरी का पिछले बार में 2014 में 61.29 था, इस बार ये 61.16 हुआ है। यदि दोनों एवरेज करके देखा जाए तो आगरा जिले में 2014 और इस बार 2019 में ऑलमोस्ट बराबर है। हमें केवल मथुरा में काफी कम हुआ है, इसको हम लोग विश्लेषण करेंगे कि इसका जिन जिन जगह पे कम हुआ है इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे क्या कारण है, कैसे उसको और आने वाले दिनों में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल जो मतदान का प्रतिशत है इन आठ निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले बार 2014 में 61.87 था, अब ये 62.3 हुआ है, ओवरऑल करीब 0.5% बढ़ा है। नगीना लोकसभा सीट के लिए आज सुबह दूसरे मरहले में पोलिंग 7 बजे शुरू हो गई। बूथों पर नौजवान वोटरों में वोटिंग के तहत काफी जोश देखा गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यहां 58% वोटिंग हुई। हाथरस लोकसभा हलके में भी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। गुज़िश्ता रात हुई बारिश के बावजूद लोग पोलिंग के लिए घरों से निकले और उनमें खासा जोश नजर आया। यहां 58.17% वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर मथुरा में भी रायदहिंदगान में जोश खरोश था। सुबह से ही लोगों ने पोलिंग सेंटरों पर अपना वोट डाला। बुजुर्ग माजूर और खवातीन वोटरों के लिए खसूसी बंदोबस्त किए गए थे। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक यहां 56.60% पोलिंग हुई। अमरोहा में भी रायदहिंदगान ने जोश के साथ अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस सीट के लिए कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सीट पर 64.26% पोलिंग हुई। अलीगढ़ में भी सुबह से लंबी कतारें लगी हुई हैं। हिफाजत के भी इंतजाम सभी पोलिंग सेंटरों पर किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हसास पोलिंग मरकजों पर खास तवज्जो दी है। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक यहां 60.20% वोटिंग हुई। बुलंदशहर में सुबह से ही वोटिंग शुरू हुई। 7 बजे से वोटिंग मरकजों पर रायदहिंदगान की कतारें नजर आईं। हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त हैं। यहां 57.70% वोटिंग हुई। जमहूरियत के सबसे बड़े त्यौहार इलेक्शन के दूसरे मरहले में होने वाली पोलिंग में आज आगरा महफूज लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान पोलिंग शुरू हुई। रायदहिंदगान की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। यहां पहली बार वोट दे रहे नौजवान पुरजोश नजर आए। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक यहां 56% पोलिंग हुई। दूसरे मरहले में होने वाले इंतखाबात के तहत आज आगरा के ही फतेहपुर सीकरी लोकसभा हलके में भी सुबह 7 बजे से वोटिंग हुई। नौजवान वोटरों में बहुत जोश था। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि यहां पर 58% पोलिंग हुई। लोकसभा इंतखाबात के पांचवें मरहले के लिए नामजदगी के अमल का आज आखिरी दिन था। कागजात नामजदगी की 20 अप्रैल को जांच हुई, जबकि इस मरहले के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल है। पांचवें मरहले में 7 रियासतों की 51 सीटों पर 6 मई को पोलिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कई इंतखाबी रैलियों को खिताब किया। कर्नाटक के बागलकोट में एक अवामी जलसे में उन्होंने रियासती सरकार पर हमला करते हुए बदउनवानी का इल्जाम आयद किया। मजबूर मुख्यमंत्री रो रहा है, मंत्री और नेता घोटाले पर घोटाले करते जा रहे हैं और उनको मालूम है कि अब उनकी सरकार का भविष्य लंबा नहीं है और इसलिए उनको लगता है कि जितना माल 5 साल में मारना चाहिए वो जितना जल्दी हो मार लो, पता नहीं घर कब के चले जाएंगे। आपका काम इसलिए ठप पड़ा है क्योंकि आपके हक के पैसे से
चुनाव लड़ा जा रहा है। बदायूं में कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने एक अवामी जलसे को खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राफेल मामले की हर हाल में जांच होगी और कसूरवारों को सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमने इंतखाबी मंशूर में लिख दिया है कि अगर कोई भी अपना कारोबार करना चाहता है तो उसे किसी भी मंजूरी की जरूरत नहीं है। उन्होंने एसपी, बीएसपी और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इन तीनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान किया है। और कुछ समय से अब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बहुत बड़े वादे किए थे। हर रैली में नरेंद्र मोदी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। जहां जाते थे 2019 के बाद अगर यूपी का कोई भी युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहता है, रोजगार पैदा करना चाहता है तो उसे किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। बिना कोई परमिशन उत्तर प्रदेश का युवा 3 साल के लिए अपना बिजनेस चला सकता है। खबरें अभी और भी हैं, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। देश का सबसे बड़ा चुनाव, हर पार्टी का असर, हर नेता की खबर। चुनाव पर क्या है जनता की राय, चुनावी सुर्खियां सिर्फ डीडी यूपी पर रोजाना शाम 4 बजे। वक्फे बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में मुरादाबाद में होने वाले इंतखाबात के मद्देनजर सियासी पार्टियों के बड़े लीडर अपने उम्मीदवारों की हिमायत में रैलियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मुरादाबाद के बिलादी में संभल सीट से बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में अवामी जलसा किया। उन्होंने कहा कि हिजब इख्तलाफ वजीर आजम को गलत बता रहा है जो मुल्क के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें देश में केवल यही महाकाल है जो कि भारत को सही दिशा में ले जा सकता है, भारत का मस्तक उजागर कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। कानपुर देहात की असेंबली हलके रसूलाबाद में समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने इंतखाबी जलसे को खिताब किया और कन्नौज लोकसभा सीट से इत्तेहाद के उम्मीदवार डिम्पल यादव के लिए वोट करने की अपील की। इस जलसे में कानपुर देहात समेत कन्नौज लोकसभा के समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सभी उम्मीदवार मौजूद रहे। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि पहले मरहले में अवाम ने इत्तेहाद के लिए वोटिंग की है और पहले मरहले के इंतखाब में ही बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी के लोगों को इत्तेहाद समझ नहीं आ रहा, हमारे इत्तेहाद को बीजेपी वाले मिलावटी इत्तेहाद बता रहे हैं तो बीजेपी के 38 पार्टियों के इत्तेहाद को क्या कहा जाए, हमारा इत्तेहाद ही मुल्क को हालात बदलेगा। नौकरी और रोजगार की बात पूछी उनसे तो उन्होंने कहा कि नौकरी करने क्या जरूरत है, जाओ पकौड़े बना लो, रोजगार अपने आप हो जाएगा, यही हमारा रोजगार है। और कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, दोगुनी आय हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, धान की कौन सी आय आपको मिल गई, लागत का भी मूल्य नहीं मिला। और कहते थे 1.5 गुना मुनाफा देंगे, आय दोगुनी कर देंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग बताओ आय दोगुनी कहाँ हो जाएगी, कैसे होगी बताइए।
मैनपुरी से लोकसभा इंतखाब लड़ रहे प्रेम सिंह शाक्य की हिमायत में कल इटावा के औसराहार इलाके के भारतीय कोटी में मुनक्किद अवामी जलसे को खिताब करते हुए नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 5 साल में मुल्क को 50 साल आगे कर दिया है, जो गुज़िश्ता सरकारें 70 सालों में नहीं कर पाई। उन्होंने प्रेम सिंह शाक्य के लिए वोट की अपील की। हमारा जो एनडीए का घटक दल है वो हमारे साथ रहेगा, कोई शिकायत होगी तो उसको दूर कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सहित इस बार मुझे लग रहा है सपा बसपा कांग्रेस का पूरे युवा से टुकड़ा साफ होगा। हम 80 की 80 सीटें जीत सकते हैं और 300 से अधिक अकेले बीजेपी और 400 से अधिक एनडीए के साथ जीतेंगे। और मोदी जी इस देश में कड़ा से कड़ा बड़ा से बड़ा फैसला लेने की ताकत के साथ देश के प्रधान। भारतीय जनता पार्टी के बरेली से उम्मीदवार संतोष गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इंतखाबी हरीफों पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि एसपी बीएसपी से उन्हें कोई खतरा नहीं है, इस इंतखाब में उनके मुकाबले पर कोई नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क आज भी मोदी को वजीर आजम के तौर पर देखना चाहता है, इसलिए उन्हें आवाम की भरपूर हिमायत मिल रही है। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा किससे मुकाबला है। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमें किसी पार्टी का कोई प्रचार वहाँ पर दिखाई दे ही नहीं रहा है। मुझे लगता नहीं सपा बसपा गठबंधन है और उसका कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा। एक विकास देश का और प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं उनको सही ढंग से लागू किया जाए और वास्तव में समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुँचे और वो उस हिसाब से काम। नायब वजीर आला दिनेश शर्मा ने हिजब इख्तलाफ पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि एक पार्टी जिसने कई दहाइयों तक मुल्क पर हुकूमत की उसके माजी और हाल बदउनवानी मुलविस रहा हो, उसका मुल्क के वजीर आजम पर इल्जाम लगाना अफसोसनाक है। दिनेश शर्मा आज सीतापुर में बीजेपी उम्मीदवार राजेश वर्मा की नामजदगी के प्रोग्राम से कबल एक जलसे आम को खिताब कर रहे थे। उन्होंने मोदी सरकार के जरिए अवामी बहबूद के लिए शुरू की गई स्कीमों का जिक्र करते हुए सीतापुर के निमीश में रियासती सरकार के जरिए 100 करोड़ से मुजवजा यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए पार्टी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। अवामी जलसे के बाद भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार राजेश वर्मा ने अपने हिमायतियों के साथ जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में नामजदगी के कागज दाखिल किए। खबरें अभी और भी हैं, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। अब नेता जनता के द्वार, दावों और वादों की होगी पड़ताल, क्या चाहती है जनता, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ, लोकतंत्र का उत्सव जनता है भागीदार। देखिए जनादेश 2019 रोजाना 7:30 बजे से 8 बजे डीडी उत्तर प्रदेश पर। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। समाजवादी पार्टी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ में जिला इलेक्शन दफ्तर में अपना नामजदगी का पर्चा भरा। नामजदगी का कागज दाखिल करते वक्त उनके साथ कई साबिक वजरा, हिजब इख्तलाफ के लीडर अंबिका चौधरी और बीएसपी के सतीश चंद मिश्रा भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग हमारे खिलाफ गलत तशहीर करेंगे, लेकिन हमें आजमगढ़ की आवाम पर एतमाद है कि आजमगढ़ इत्तेहाद से अब किसी को शिकायत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस मरतबा सबसे ज्यादा सीट इत्तेहाद जीतेगा और यह जीत तारीखी होगी। अब ये केवल है कि लोगों को मना लें, अपनी बात समझा दें। लोग बीजेपी के लिए कुछ भी कहेंगे, भाई मेरा भी नहीं आ रहा है, बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं। हमें उम्मीद है आजमगढ़ की जनता पर, भरोसा है आजमगढ़ की जनता पर कि जो महागठबंधन है साइकिल, अब किसी को उससे शिकायत नहीं होगी, साइकिल से किसी को शिकायत नहीं होगी। मरकजी वजीर और सुल्तानपुर लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने आज एक रोड शो करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर में अपनी नामजदगी के कागजात दाखिल किए। नामजदगी के बाद मेनका गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पति के तय पूरा एतमाद है। उन्होंने कहा कि मेरे शौहर के जाय अमल पर आज उन्हें इतना प्यार मिला है कि वो बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं।
हम कोशिश करेंगे कि हर एक से हम लोग बात करके हम उनका वोट मांगे, ये हमारा काम है। जितना वो देंगे वो तो उनके ऊपर है। समाजवादी पार्टी में अभी हाल ही में शामिल हुई शत्रुघ्न सिन्हा की अहलिया पूनम सिन्हा ने आज लोकसभा इंतखाब के लिए लखनऊ सीट से उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। उनके साथ समाजवादी पार्टी के लीडर डिंपल यादव भी मौजूद थी। वहीं लखनऊ लोकसभा सीट से ही कांग्रेस उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अपने नामजदगी के कागजात दाखिल किए। उनकी नामजदगी में संत लोग मौजूद थे। गजब का वातावरण है, गजब का समर्थन है। इतना बढ़िया अद्भुत वातावरण और जुलूस अन्याय के खिलाफ न्याय की, ये हमने आज पहली बार देखा है। और आज विशेषकर जो हमारी पत्नी श्रीमती पूनम सिन्हा, हमारी फैमिली फ्रेंड और समाजवादी पार्टी की लीडर डिंपल यादव, और उससे ज्यादा मैं कहूंगा यूथ आइकॉन, वर्तमान का भविष्य और देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य अखिलेश यादव ने और मायावती जी ने जिस तरह बहन मायावती ने मिलकर किया है, मैं समझता हूं पूरे देश में एक पैगाम गया है कि देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है, सचेत हो गई है और अब ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करें। लखनऊ की धरती मोहब्बत की धरती है, प्रेम सद्भावना की धरती है, तहजीब की धरती है, अमन की धरती है। लखनऊ की धरती मोहब्बत की धरती है। और मैं तो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो एक फकीर आदमी हूँ, मैं तो पैदल चल के चुनाव लड़ रहा हूँ। ये लोग सत्ता के सिंहासन पे बैठे हैं, अहंकार में चूर हैं, मैं तो इनसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, इन्होंने इस देश को दिया क्या है? इस लखनऊ ने इन्हें बहुत कुछ दिया, लखनऊ को क्या दिया? देश के साथ रोज धोखा, फरेब, झूठ, बेरोजगारी के नाम पे झूठ, रोजगार देने के नाम पे झूठ, काला धन लाने के नाम पे झूठ, राम मंदिर बनाने के नाम पे धोखा। ये ठग हैं, ठग झूठे हैं, मक्कार हैं। इसीलिए देश के संतों का विश्वास इनसे उठ चुका है। आज इस चुनाव में देख रहे हैं, देश का कोई संत इनके साथ नहीं है। सारे राष्ट्रभक्त संत भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के साथ है। कैसरगंज लोकसभा सीट से साबिक वजीर विनय कुमार पांडे ने आज कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर सहाफियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कैसरगंज गुज़िश्ता 5 वर्षों में काफी पिछड़ गया है और यहां कई मसाइल हैं जिनको हल किया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का के प्रत्याशी के रूप में हाईकमान के निर्देशानुसार आज मैंने कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन से क्षेत्र से प्रत्याशिता दर्ज की है, उसकी अभ्यर्थना की। यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के क्षेत्र के साथ ये पिछले 5 वर्षों में छलावा किया गया है। ये 70 साल बनाम 5 साल की जो बात की जा रही है, तो जैसा कि मोदी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के और आवाम के साथ और हिंदुस्तान के साथ छलावा किया है और जुमलेबाजी की है, ठीक उसी तरीके से हमारे कैसरगंज के निवर्तमान सांसद जी ने भी कैसरगंज निर्वाचन क्षेत्र के विकास और उनके जनता के साथ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया है। श्रावस्ती लोकसभा सीट के लिए आज बलरामपुर कलेक्ट्रेट अहाते में कांग्रेस उम्मीदवार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने आज अपने नामजदगी के कागज दाखिल किए। श्रावस्ती लोकसभा हलके के लिए नामजदगी का अमल 16 अप्रैल से शुरू हुआ, लेकिन पहले दिन किसी उम्मीदवार की नामजदगी नहीं हुई। कांग्रेस उम्मीदवार धीरेन्द्र प्रताप सिंह बीएसपी के साबिक रुकन असेंबली रह चुके हैं। उन्होंने नामजदगी से कबल रोड शो और आवामी जलसा कर लोगों से कांग्रेस के साथ जुड़ने की अपील की। अरे श्रावस्ती में मुद्दे, अनेक मुद्दे हैं। सबसे पहला तो ये है कि बलरामपुर में एक महिला डिग्री कॉलेज, बलरामपुर में रिंग रोड की अत्यंत आवश्यकता है। बलरामपुर शहर जो है हमेशा जाम से जूझता रहता है, यहाँ आवागमन की इतनी परेशानी शहर में होते ही पूरे श्रावस्ती लोकसभा का जो सेंटर है हमारा जो बलरामपुर, यहाँ पर जो है आवागमन की जो बलरामपुर के चारों तरफ जो रिंग रोड की आवश्यकता है, अगर बनी भी है तो कहीं रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को जाम से जो है निजात दिलाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर इसका कार्य करवाना है। ठीक।
बाराबंकी लोकसभा सीट से आज बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत ने अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। नामजदगी से पहले उपेंद्र सिंह रावत ने अवामी जलसा और रोड शो भी किया। बीजेपी ने प्रियंका सिंह रावत का टिकट काटकर जैदपुर से बीजेपी से रुकने असेंबली उपेंद्र सिंह रावत को बाराबंकी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। यहां उपेंद्र रावत का सीधा मुकाबला कांग्रेस के तनुज पुनिया और इतिहाद के उम्मीदवार रामसागर रावत से है। नामजदगी के बाद बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र रावत ने कहा कि बीजेपी का मंशूर भी उनकी तरजीहात में है। उन्होंने कहा कि इंतखाब जीतने के बाद वो जिले के सारे मुकामी मसाइल का हल निकालेंगे। फतेहपुर में बाईपास बनवाया जाएगा। जैतपुर विधानसभा में एक रारी नाला है जिसकी वजह से बरसात में हजारों एकड़ जमीन बर्बाद होती है, उसको साफ करवाने का काम किया जाएगा। और पूरे जिले में जितने भी विकासखंड हैं सब में जिनमें राजकीय बालिकाएं 45 नहीं है वहाँ पर राजकीय बालिकाएं 45 की स्थापना करेंगे। खबरें अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े हमारे ट्विटर हैंडल अकाउंट से @DDNewsUP पर या हमारे फेसबुक पेज से जुड़े DDNewsUP पर। यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए लॉगिन करें DDNewsUP। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। राय दहिंदगान को पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देने का पैगाम देने के लिए मिर्जापुर में दरियाए गंगा में अनोखी वोट फॉर वोट रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों किश्तियों पर सवार होकर लोगों ने वोटिंग जरूरी है का नारा बुलंद किया। विंध्याचल से शुरू हुई यह रैली नारघाट पर जाकर इकदाम पजीर हुई। गंगा की लहरों पर वोटर बेदारी को बढ़ाने और जिले में पोलिंग फीसद 75% से ज्यादा करने के लिए 400 नावों की रैली निकाली गई और गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को वोटिंग के लिए बेदार किया गया। रैली को जिला स्टेट अनुराग पटेल ने पक्के घाट पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नाव पर सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। रैली में स्काउट के बच्चों ने धुन भी बजाई। तो गंगा के किनारे शहर वासियों पर और गंगा के दूसरे किनारे पर बैठे हुए बसे हुए ग्रामीण वासियों को वोट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करें, 75% से अधिक वोटिंग करने के लिए प्रेरित करने के लिए आज हम लोगों ने 400 वोटों की फ्लोट फॉर वोट की रैली निकाली है, जिसका थीम है फ्लोट फॉर वोट, अर्थात नदी में ठहरिए, गंगा माँ में ठहरिए और ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। बुंदेलखंड में गुज़िश्ता कई बरसों में कम बारिश के सबब पानी के बुहरान के हल के लिए बुंदेलखंड जल सहेली मंच ने कई गांवों में इज्तिमाई कोशिशों से एक इसका मौसर हल निकालने की सिमत में पेशे रफ्त की है, जो मुल्क में इज्तिमाई कोशिश की मिसाल है। इन जल सहेलियों ने अपनी कोशिश से पानी को महफूज किया है। तंजीम के कौमी कोऑर्डिनेटर संजय सिंह ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में सियासी पार्टियों के जरिए बुंदेलखंड अपने गांव को अपने इलाके को पानीदार बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही। इनमें से अधिकांश बहनें ऐसी हैं जो 100-100 बार जिला मुख्यालय पर, लखनऊ में भी गईं, दिल्ली में भी गईं, इन्होंने अपने गांव को पानीदार बनाने का काम किया। अहम खबरें एक बार फिर। दूसरे मरहले में आज रियासत के 9 जिलों के 8 सीटों के लिए हो रही वोटिंग। नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, मथुरा और आगरा लोकसभा सीटों पर 58.61% से ज्यादा हुई वोटिंग। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोकसभा इंतखाबात के बाकी मरहलों के लिए इंतखाबी तशहीर में आई तेजी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सदर राहुल गांधी जगह जगह अवामी जलसे और रैलियां करके अपने हक में मांग रहे हैं वोट। समाजवादी पार्टी सदस्य अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से, मेनका गांधी ने सुल्तानपुर से अपने कागजात नामजदगी किए दाखिल। इस मौके पर अखिलेश यादव ने अवामी जलसे को किया खिताब। और समाजवादी पार्टी में हाल ही में शामिल हुई शत्रुघ्न सिन्हा की अहलिया पूनम सिन्हा ने आज लखनऊ लोकसभा सीट से इत्तेहाद उम्मीदवार के तौर पर किया नामजदगी का पर्चा दाखिल। वहीं कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी भरा पर्चा। इसी के साथ खबरें खत्म। इजाजत दीजिए, शब्बा खैर।